हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं तुषार शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में सिकंदराबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिकंदराबाद पुलिस ने 4 अंतर्राज्य वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर 15 बाइक, अवैध असला व कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। प्रभारी निरीक्षक थाना सिकंदराबाद दृषित कुमार त्यागी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ वाहन चोर चोरी की 2 मोटरसाइकिल पर सिकंदराबाद से गुलाबी की तरफ जाने वाले हैं। सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सिकंदराबाद रोड पर ओवरब्रिज के नीचे पहुंचकर चेकिंग की जा रही थी। तभी कुछ समय पश्चात पुलिस टीम को सिकंदराबाद की तरफ से 2 बाइक्स आती दिखाई दी। पुलिस टीम ने बाइक सवार बदमाशों को रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार बदमाशों द्वारा पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया जाने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर 4 अभियुक्तों को चोरी की 2 मोटरसाइकिल व अवैध असला कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर ग्राम कावरा रोड पर नॉर्मल स्कूल के खंडर कमरे में छुपा कर रखी गई अन्य 13 बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। गिरफ्तार अभियुक्त राशिद, साजिद, ताहिर और इरशाद जनपद बुलंदशहर के निवासी हैं, जो वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। जी, सिकंदराबाद पुलिस के द्वारा कल शाम 6:15 के आसपास ये 4 साथी वाहन चोरों को, जो अंतर्राज्यीय स्तर के हैं, गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 15 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, 2 तमंचे कारतूस आदि बरामद हुए हैं। इसमें उल्लेखनीय यह है कि ये चारों एक ही कस्बे के रहने वाले हैं। 3 सेखवाड़ा का है, 2 बगल के मोहल्ले का है। इसका गैंग लीडर साजिद, जिसके खिलाफ 5-7 से अधिक मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। साथिर किस्म का वाहन चोर है, दिल्ली, नोएडा, NCR के अन्य जनपदों में और बुलंदशहर से मोटरसाइकिलों को चुराना। और इसका भाई राशिद, जो एक मोटर साइकिल मिस्त्री भी है, ये उन मोटरसाइकिलों को खपाने का काम करता है। तो इस तरह से इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई कर रहे हैं। बाइक चलाने बेचते थे या कोई क्राइम क्राइम को भी अंजाम दिया? फिलहाल अब तक पूछताछ में जो चीज़ें निकल के आई हैं, विशुद्ध रूप से उसका व्यवसायिक उपयोग करते थे, मोटरसाइकिलों में थोड़ा बहुत चेंजिंग करके उसको बेच देते थे। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।